मोहम्मद आरिफ जामो ब्लॉक के मुंडका गांव के रहने वाले हैं। आरिफ अगस्त 2022 में अपने खेतों की ओर गए हुए थे। वहां उन्हें एक सारस दिखाई दिया जिसका पैर टूटा हुआ था। इसके बाद आरिफ उसे अपने घर ले गए और पक्षी की मरहम पट्टी और इलाज किया, जिससे सारस ठीक भी हो गया। आरिफ की सेवा ने सारस का दिल मोह लिया और वो दोस्त बन गए। लेकिन अब सारस के दोस्त आरिफ की मुश्किल बढ़ सकती है। मोहम्मद आरिफ सारस से दोस्ती को लेकर काफी चर्चा में थे। करीब एक महीने पहले सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए चर्चा में आई थी, लेकिन बीते दिनों ये दोस्ती टूट गई। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने सारस पक्षी को समस्तपुर पक्षी विहार में शिफ्ट कर दिया है और उत्तर प्रदेश प्रभागीय वन अधिकारी गौरीगंज ने आरिफ को नोटिस जारी किया है। 2 अप्रैल को प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय में बयान दर्ज करवाने के लिए आरिफ को नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में आरिफ पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 29, 51 और 52 का उल्लंघन किया है।